वेलकम टू खोलेश्वर जूनियर CBSE स्कूल। आज हम 7th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स नेक्स्ट पॉइंट पॉइंट 1.5 प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स देखने वाले हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। सी द एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल, -20 इंटू -5 इज इक्वल टू 100। द प्रोडक्ट इज एन इंटीजर। सेकेंड एग्जाम्पल, -15 इंटू 17 इज इक्वल टू -255। प्रोडक्ट इज ऑल्सो इंटीजर। थर्ड एग्जाम्पल, -30 इंटू 12। आउटपुट इज -360। प्रोडक्ट इज एन इंटीजर। फोर एग्जाम्पल, -15 इंटू -23। प्रोडक्ट इज 345। प्रोडक्ट इज एन इंटीजर। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज -14 इंटू -13 इज इक्वल टू 182। प्लस 182, प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर इज पॉजिटिव इंटीजर, सो प्रोडक्ट इज एन इंटीजर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, 12 इंटू -30 इज इक्वल टू -360। प्रोडक्ट इज एन इंटीजर। हियर व्हाट डू यू ऑब्जर्व? कैन यू फाइंड एनी पेयर ऑफ इंटीजर हुज प्रोडक्ट इज नॉट एन इंटीजर? नो, देयर इज नो देयर। दिस गिव्स एन आइडिया दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज अगेन एन इंटीजर, सो वी कैन से दैट इंटीजर्स आर क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। वी कैन से दैट इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। जनरली ए इंटू बी इज एन इंटीजर फॉर ऑल इंटीजर्स ए एंड बी। द प्रोडक्ट इज एन इंटीजर। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 5 मोर पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई एंड ऑब्जर्व द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। अपने मन से 5 एग्जाम्पल लेके ये सॉल्व करके देखना है। जो ऊपर प्रॉपर्टी दी है, प्रोडक्ट ऑफ टू एनी इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव और पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर, इज ऑलवेज इंटीजर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। वी नो दैट मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर। कैन वी से मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स? यस, इट इज पॉसिबल। See the examples. 3 into -4 is equal to -12. Reverse, -4 into 3 is equal to -12. We can say that LHS is equal to RHS. Both LHS is equal to -12 RHS. LHS is equal to -12. Answer is -12 -12. We can say that 3 into -4 is equal to -4 into 3. Same way, -30 into 12 is equal to -360. Same way, 12 into -3 is equal to -360. We can say that -30 into 12 is equal to 12 into -30. Next example, -15 into -10 is equal to 150. Second example, -10 into -15 is equal to 150. We can say that -15 into -10 is equal to -10 into -15. Next example, -35 into -12 is equal to 420. -12 into -35 is equal to 420. We can say that -35 into -12 is equal to -12 into -35. Next example, -17 into 0 is equal to 0. Here write 0 into -17 is equal to 0. We can say that -17 into 0 is equal to 0 into -17. Next example,
यहाँ पे माइनस वन इंटू माइनस फिफ्टीन वी कैन से दैट फिफ्टीन वी कैन राइट हियर माइनस फिफ्टीन इंटू माइनस वन इज इक्वल टू फिफ्टीन राइट हियर माइनस फिफ्टीन इंटू वन सॉरी माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन इंटू माइनस फिफ्टीन लाइकवाइज व्हाट वी आर ऑब्जर्व हियर द Above example suggests multiplication is commutative for integers. Write another 5 example and tally A into B is equal to B into A. Next property multiplication by 0. We know that any whole number when multiplied by 0 gives 0. Observe the following example. Product of negative integers and zero there are obtained from the pattern done earlier. First example, minus 3 into 0 is equal to 0. Second example, 0 into minus 4 is equal to 0. Third example, minus 5 into 0 is equal to 0. Fourth example, 0 into minus 6 is equal to 0. This shows that the product of negative integers and 0 is 0. We can say that A into 0 or 0 into A is equal to 0. This is property of multiplication by 0. Multiplicative identity. We know that 1 is the multiplicative identity for whole numbers. Check that 1 is the multiplicative identity for integers as well. Observe the following product of integers with 1. See the example. Minus 3 into 1 is equal to minus 3. Second, minus 4 into 1 is equal to minus 4. 1 into minus 5 is equal to minus 5. Next, 1 into minus 6 is equal to minus 6. 1 into 5 is equal to 5. 1 into 8 is equal to 8. Next, 3 into 1 is equal to 3. And 7 into 1 is equal to 7. This shows that 1 is the multiplicative identity for integers also. किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा आउटपुट वही नंबर आएगा. Then, we can say that A into 1 or 1 into A is equal to A. ये हो गया मल्टीप्लिकेशन विथ 1. अगर मल्टीप्लिकेशन विथ माइनस 1 हुआ तो क्या हो सकता है. What happen when we multiply any integers with minus 1? See the example. Minus 3 into minus 1 is equal to plus 3. Next, 3 into minus 1 is equal to minus 3. मीन्स यहाँ पे साइन चेंज हो रहा है. माइनस सिक्स इंटू माइनस वन इज इक्वल टू प्लस सिक्स. माइनस वन इंटू प्लस थर्टीन इज इक्वल टू माइनस थर्टीन. माइनस वन इंटू माइनस ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव. एटीन इंटू माइनस वन मीन्स माइनस एटीन. वॉट डू यू ऑब्जर्व? वी कैन से माइनस वन इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी of integers. No, we can't say. 0 is an additive identity whereas 1 is the multiplicative identity for integers. We get the additive integers of an integer A when we multiply minus 1 to A, that is A into minus 1 or minus 1 into A is equal to minus A. When we multiply minus 1, then output is opposite sign. इतनी जो properties हमने देखी है वो आपको notebook में लिखना है, learn करना है. अगर कोई problem होगा तो आप WhatsApp पे पूछ सकते हैं. Thank you. Have a nice day.